नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आइए, अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे अवश्य ही देख लें। आज ये दूसरा भाग है, तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नाट्यवृत्तियों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अणुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकुक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, साधारणीकरण अवलंबन धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रणमल छंद्र नामक काव्य किसने रचा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रीधर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, गोरख जगायो योग भक्ति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यह उक्ति तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है, 8, जयदेव से प्रभावित विद्यापति ने कौन सी रचना की है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पदावली। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, उज्ज्वल नील मणि के रचयिता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 10, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कुंभन दास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? ऑप्शन दूसरा, मधुमालती मंझन के काव्य की नायिका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भगवत के किस स्कंद में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 10 स्कंद में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कर्म योग पुनि ज्ञान उपासना सभी भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, यह काव्योक्ति किसकी है? ऑप्शन चौथा, सूरदास की। अगला प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 17, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाबर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, रस खान किसके शिष्य थे? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गोस्वामी विठल नाथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भामह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? ऑप्शन तीसरा, महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन, यह उक्ति में अविधा लक्षण आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देव ने। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार
जियत मृत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंग दर्पण। यह रशलिन की रचना है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है? तो उन्होंने यह मत ईसा आला के संबंध में कहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? ऑप्शन दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कृष्णायन किस विधा की रचना है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महाकाव्य की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गदकार है? ऑप्शन पहला, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवाद नहीं है? ऑप्शन तीसरा, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन दूसरा, महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन चौथा, सामाजिक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन तीसरा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, भारत भारती का रचना काल है? ऑप्शन चौथा, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है? इस काव्य पंक्तियों के कवि हैं? ऑप्शन तीसरा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, रंग दर्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन तीसरा, नेमी चंद्र जैन। अगला प्रश्न, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक है? ऑप्शन दूसरा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन पहला, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन तीसरा, 6 भेद उन्होंने माने हैं वक्रोक्ति के। अगला प्रश्न है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? ऑप्शन दूसरा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार ललू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम है? ऑप्शन दूसरा, प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण, सिंहासन बतीसी, लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न है, जीवन काल के क्रमानुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन पहला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, जैनेन्द्र कुमार के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम है? ऑप्शन तीसरा, परख, सोनिता, कल्याणी, दशार्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, जीवन काल के क्रम में संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नांकित आचार्यों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन तीसरा, भरत मुनि, भट्ट लोलक, संकुक, भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित
आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन चौथा देहाती दुनिया, बचलनामा, मैला आंचल, सागर लहरें और मनुष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम है ऑप्शन पहला चिट्ठी पत्री, फाइल प्रोफाइल, दो शव पत्र, वचन के नाम, प्रसाद के नाम पत्र। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है ऑप्शन पहला रत्नाकर से बातचीत, मैं उनसे मिला, अपरोक्ष, बातों बातों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्टार्जों का सही अनुक्रम है ऑप्शन दूसरा तूफानों के बीच, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, युद्ध यात्रा, ऋण जल धन जल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है ऑप्शन चौथा जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, अपरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है ऑप्शन पहला बहती गंगा, कंदील और कुहासे, सोया हुआ जल, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नांकित समाचार पत्रों का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम है ऑप्शन पहला उदंड, मार्तंड, प्रजा मित्र, प्रजा हितैषी, आगरा अखबार। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार क्रमानुसार सही अनुक्रम है तीसरा रस आखेटक, गंध मादन, निषाद बांसुरी, आगम की नाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। जीवन काल की दृष्टि से निम्नांकित निबंधकारों का सही अनुक्रम है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूरन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है ऑप्शन पहला पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रकाशन वर्ष के निम्नांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है ऑप्शन तीसरा शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढहते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। यह प्रश्न स्थापना और तर्क से है रस ही ब्रह्मा है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है, यह रस सबको आनंदित करता है। तर्क है क्योंकि करुण रस के अनुभूति केवल पुरुष को होता है। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा ए सही है आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। यह भी प्रश्न स्थापना और तर्क से ही दिया हुआ है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद के अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क है क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा ए सही है आर दोनों गलत, ए और आर दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। स्थापना काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तर्क क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। स्थापना कालाशीन साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होता है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा
ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। अस्थापना और तर्क से प्रश्न है, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है तर्क, क्योंकि नाटक में नायक के जीवन को कार्यावस्था का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन दूसरा ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। अस्थापना, दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है तर्क, क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। ऑप्शन चौथा ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। स्थापना से कृष्ण काव्य आवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है तर्क, क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 63। स्थापना, अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है तर्क, क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ऑप्शन तीसरा ए सही है, आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है अस्थापना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है क्यों, क्योंकि यथार्थ और आदर्श समावेश होता है तर्क, कारण के आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। ऑप्शन तीसरा ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है अस्थापना प्राणीवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है तर्क, क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार के समाज निक्षिप सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके सुमेलित कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सुमेलित करने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं केवल ऑप्शन को ही बता रही हूँ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 68 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रसों को उनके अस्थाई भावों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रौद्र रस जिसका क्रोध, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्विद, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।